हेलो बच्चों, मैं संजय सर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ स्पेशली क्लास 11th के लिए। बेटा एक डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, दैट इज जर्नल प्रॉपर और जर्नल प्रॉपर और सब स्पेशल जर्नल में क्या डिफरेंस है। बेटा स्पेशल जर्नल को हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं एंड जर्नल प्रॉपर को हम जनरल जर्नल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, आपने सब्सिडी बुक्स तो पढ़ी है। सब्सिडी बुक्स का मतलब है वो सभी किताबें जो एक स्पेशल नेचर की ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड कर रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक, परचेज बुक में हमने क्या रिकॉर्ड करा, सारी परचेज ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में हमने क्या रिकॉर्ड करा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न में क्या रिकॉर्ड करा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड जो हमने सामान वापिस करा था, यानी कि रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज ऑन क्रेडिट, वो हमने किस में रिकॉर्ड करा, परचेज रिटर्न में। तो अगर आप एक चीज एनालाइज करो तो स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में हम लोग एक स्पेशल नेचर की ट्रांजेक्शंस को क्या कर रहे थे बच्चों, बताओ, हम रिकॉर्ड कर रहे थे। समझ में आ रही है? बट जर्नल प्रॉपर, आप सभी बच्चों को पता है जर्नल प्रॉपर में वो सभी ट्रांजेक्शंस आती है जो हमारी अदर सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी कहां पर जाती है बेटा, जर्नल प्रॉपर में। देखो, जो हमारी अदर 7 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड हो पाई, जो ना कैश बुक में, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी बुक, बच्चों बताओ, ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल प्रॉपर एक ऐसी किताब जिसमें वो सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो अदर 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एंड स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक्स का मतलब वो किताब जिसमें हम एक स्पेशल नेचर की ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा सही बच्चों को? चलो अब टू द पॉइंट, डिफरेंस समझाता हूं सही बच्चों को। तो स्पेशल जर्नल, यहां पर स्पेशल जर्नल लिखा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड। क्या लिखा है? इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर समझ रहे हो? परचेज बुक रिकॉर्ड्स, क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक, और ये कोई सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता। समझ में आ रही? फॉर्मेट, अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मेट एक स्टेटमेंट वाइज होता है और इसका फॉर्मेट कैसा होता है, जस्ट लाइक जर्नल। नीड, बच्चों बताओ स्पेशल जर्नल की कब नीड पड़ेगी? A business may not have a special journal. कोई जरूरत नहीं है स्पेशल जर्नल। अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहा तो आपको सब्सिडी बुक्स बनाने की ऐसा नीड नहीं है। बट जर्नल प्रॉपर है, जर्नल तो आप सभी को बनानी पड़े। बिजनेस मस्ट हैव, क्या लिखा हुआ है, मस्ट हैव अ जर्नल प्रॉपर। समझ में आ रही बात? ईच ट्रांजेक्शन, देखो बच्चों पोस्टिंग का ध्यान रखना, जब हम स्पेशल जर्नल से उठाकर हम कहां लेकर जाते हैं, लेजर में। अगर आपने देखा हो सेल्स का टोटल हम सीधा सेल्स अकाउंट में ले जाते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हम नहीं करते। मैंने एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 बनाई थी, वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो। यहां पर यही कहा गया, ईच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेट। ईच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली, मतलब जैसे सेल्स का टोटल इकट्ठा ले गए थे और सेल्स की, अगर हम सेल्स बुक की बात करें, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी का टोटल हम सीधा अकाउंट में लेकर गए, टोटल लेकर गए थे अगर 50 ट्रांजेक्शन से तो। बट जनरल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर में हर एक ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग अलग अलग होगी। समझ में आई बात? इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली, पोस्टेड यहां पर आना चाहिए था। आगे चलते हैं रेक्टिफिकेशन, ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। स्पेशल जर्नल में अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो दैट एरर कैन बी रेक्टिफाइड विद द जर्नल प्रॉपर। लेकिन अगर जर्नल प्रॉपर में कोई गलती हो जाए तो दैट एरर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड विद द स्पेशल जर्नल। समझ में आ रही बात? A mistake in the journal proper is not rectified by a special journal. बोलो बच्चों बताओ, A mistake in the special journal is rectified by a journal proper. समझ में आई बात? बोलो बेटा। हाँ, तो इस तरीके से मैंने आपको डिफरेंस बताया। अच्छा, और थोड़ा आपको रिमाइंड कराने के लिए, जर्नल प्रॉपर में हम 7 तरीके की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। एक हम रिकॉर्ड करते थे ओपनिंग एंट्री, एक हम रिकॉर्ड करते थे क्लोजिंग एंट्री, एक हम रिकॉर्ड करते थे एडजस्टिंग एंट्री, एक हम रिकॉर्ड करते थे ट्रांसफर एंट्री, एक हम रिकॉर्ड करते थे क्या नाम है, एंट्री ऑफ डिसोनर, डिसोनर ऑफ बिल वगैरह की एंट्री, एक हम रिकॉर्ड करते थे बेटा मिसलेनियस एंट्री। कौन सी एंट्री बच्चों बताओ? मिसलेनियस एंट्रीज। उसके अलावा भी एक आदि एक टाइप की और थी बच्चों, ये आप बुक से भी देख सकते हो, मैं अगर आपको दिखाऊं तो। लाइक आप पेज नंबर यहां पर आओगे, जर्नल प्रॉपर में जर्नल लिखा हुआ है तो ओपनिंग एंट्री आती है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा और हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। और सर जी हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर हमारे से कोई गलती हो जाए वो रिकॉर्ड कर देते हैं। ट्रांसफर एंट्री हम रिकॉर्ड कर देते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। एंट्रीज ऑफ किस चीज की, डिसऑनर ऑफ बिल, मिसलेनियस एंट्री में वही आ जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी।
जैसे मैंने मशीनरी उधार खरीदी तो वो कहीं नहीं जाएगी, कहां पर जाएगी बच्चों बताओ, वो हमारी जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, आ रही है बात समझ में। कैपिटल ब्रॉट इन काइंड बाय द प्रोपराइटर, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो ये सब क्या आएगा बच्चों बताओ, जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ गई बात सही बच्चों को, बोलो बेटा। तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने जल्दी से कराने की कोशिश करी है। और वीडियो में मैं आपको सेल्स अकाउंट सेल्स बुक में क्या डिफरेंस है, परचेज अकाउंट परचेज बुक में क्या डिफरेंस है, थ्योरी के और भी डिफरेंसेस मैं आपको वन बाय वन कराता रहूंगा। बाकी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं 9716980980 एंड आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। समझ में आई? मैं संजय सर एंड मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑनर्स मैंने हिंदू कॉलेज से करी है एंड मैं सीए फाइनल में हूँ। चलो बेटा, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।